नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल जवाहरलाल कैंसर अस्पताल कर्मचारी श्रमिक संघ और जेएन कैंसर अस्पताल डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल फैशनलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अस्पताल में भारी अनियमितताएं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में हाल ही में कई गंभीर वित्तीय और प्रबंधकीय अनियमितताएं उजागर हुई है। एक समय कैंसर मरीजों को अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध कराने के लिए भोपाल की एक पहचान बना यह संस्थान अभी भी सेंट्रल उपचार उपलब्ध कराने के लिए भोपाल की पहचान इंडिया का उत्कृष्ट कैंसर अस्पताल है, लेकिन प्रबंधन के भ्रष्ट कारनामों के कारण चर्चा का केंद्र बन गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि अस्पताल के संस्थापक अध्यक्ष मदन मोहन जोशी के निधन के बाद अस्पताल संचालन के सारे सूत्र अध्यक्ष आशा जोशी, दिव्या जोशी, पराशर सहित जोशी परिवार के 6 सदस्यों के हाथों में आ गए हैं। अध्यक्ष ने प्रबंध समिति की मंजूरी के बगैर अपनी बेटी दिव्या जोशी को न सिर्फ सीईओ नियुक्त कर दिया है बल्कि 4.5 लाख मासिक वेतन भी स्वीकृत कर दिया। यही नहीं, अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य धनंजय पराशर को भी दवा की खरीद फरोख्त के काम पर 2.5 लाख की पगार देना शुरू कर दिया है। अस्पताल में कई अन्य पदों पर भी विवादास्पद नियुक्तियां की। हैरानी की बात है कि एक स्वैच्छिक संगठन में एक ही परिवार के इन 6-7 सदस्यों पर केवल वेतन पर 1.5 करोड़ रुपए सालाना खर्च किया जा रहा है, जबकि डॉक्टरों और कर्मचारियों के वेतन बहुत कम है। कई वर्षों से वेतनमान में इजाफा नहीं हुआ है और अनेक विसंगतियां भी है। प्रबंधन के खिलाफ करोड़ों की आयकर चोरी और दवाओं में कमीशनखोरी के भी गंभीर शिकायतें हैं। एसोसिएशन ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि संभागीय रजिस्ट्रार फर्म्स और रजिस्ट्रेशन की देखरेख में प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाए ताकि अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। लाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। हालांकि आज मुझे सस्पेंशन लेटर दिया गया है तो डेफिनेटली वो इंक्वायरी चाहते हैं। और दूसरा कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस तरह की अनियमितताएं इस अस्पताल में हो रही हैं, जिससे कि अस्पताल का पतन हो रहा है, यहाँ के मरीजों की सुविधाओं का पतन हो रहा है, मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो चाहिए, यहाँ के कर्मचारियों का पतन हो रहा है। अगर भारत का संविधान हमें ये आज्ञा देता है कि आप विरोध की आवाज उठा सकते हैं, तो इस अस्पताल में हम एक बाहर आने के लिए हमारे ऊपर इतने गंभीर आरोप कि शो कॉज नोटिस दे के आप हमें सस्पेंड कर दो, क्योंकि इस मैनेजमेंट कमेटी में एक ही परिवार के लोग बैठे हुए हैं। इस वजह से वो डिसीजन बाइज्ड होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं जो तीनों चारों मिलके एक साथ ले लेते हैं। हमारी डिमांड है कि इस मैनेजमेंट कमेटी को डिसॉल्व किया जाए, नई मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए, कुशल प्रशासक यहाँ बैठाया जाए जो कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से चलाए और इस अस्पताल का किसी तरह भला हो। अगर ये मैनेजमेंट कमेटी एग्जिस्ट करती रहेगी तो हम सब एक दिन बाहर होंगे और यही हाल रहेगा, ऐसे ही लोग वहाँ जमे रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। चल रहा है किस किस बारे में? नहीं, हम दे रहे हैं अभी दिया नहीं। क्योंकि देखिए हम लोग लड़ने वाले लोग नहीं। बिल्कुल न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आज दो को किया गया, सर को टर्मिनेट किया गया, फिर आज हम दो को सस्पेंड किया गया और ये दो चार टारगेट होते रहेंगे और पहले भी बहुत लोग हो चुके हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने। हम लड़ाई करने वाले लोग नहीं है, डॉक्टर्स हैं। कल सीईओ का फोन आया मेरे पास कि हम आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं और आप लोगों की सैलरी और जो भी मुद्दा है उस पर बात करना चाहते हैं, आप आके बैठिए मेरे पास। मैंने कहा मैं अकेले नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं एसोसिएशन का मेंबर एक पार्ट हूँ और कर्मचारी संघ हमारे साथ समन्वय में है, हम दोनों लोग आके बैठेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कल सुबह बैठूंगी। मैंने बोला आज शाम को बैठ जाइए, कल क्योंकि हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि पहले ही मामला सुलझ जाए तो हम क्यों इस तरह की बात करें, लेकिन उन्होंने शाम को एचआर मैनेजर, जो असिस्टेंट एचआर मैनेजर है, उसके थ्रू मुझे फोन कराया कि हमारे यहाँ कुछ पारिवारिक कारणों से अब हम 15 तक नहीं मिल सकते। और आज सुबह तक भी हम लोगों पे प्रेशर था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए, लेकिन क्योंकि हमने आपको टाइम दे दिया था, हम भी चाहते थे कि डिफर कर दें, लेकिन हमें लगा कि आपके साथ अच्छा नहीं होगा, एक गलत मैसेज हम कन्वे करेंगे, तो हम लोगों ने कहा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे।
और उसको रोकते हुए इन्होंने सस्पेंशन ऑर्डर 11:30 बजे हमें दिए हैं, ताकि हम विरोध स्वरूप बाहर ताकि हम बाहर ही ना शामिल नहीं हो। और खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट।